हेलो दोस्तों दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में WooCommerce प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसका क्या काम होता है और उसको क्या-क्या डिटेल चाहिए होती है उसको इंस्टॉल करने में एंड उसको पूरा प्रोसेस करने में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेड कलर का बटन, तो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है तो उसको एक बार प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन का फिर बटन आपको देखेगा तो उसको भी दबा लीजिए, इसलिए कि आपको जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों वीडियो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे और अपनी वर्ड पे वेबसाइट को ऑन कर लेंगे। तो अब आपको मैं बताऊंगा वूकॉमर्स प्लगइन से क्या होता है कि अभी यहाँ पे आपको कोई एक ऑप्शन नहीं बता आ रहा है जो कि आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में होता है। आप प्रोडक्ट कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी आप डालना चाहें तो उस प्लगइन से आप डाल सकते हैं। तो देखिए अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करें या कैटेगरी कोई चॉइस कर सकें, तो आपको इस तरह का कुछ नहीं आएगा। अपीयरेंस आएगा, यहाँ से आप अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं थीम को। प्लगइन आएगा, यहाँ से आप प्लगइन को, यहाँ पे यूज़र को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे फॉरम, यहाँ पे पोस्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम सबसे पहले अपना WooCommerce यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे आप प्लगइन पे जाएंगे, और आपका अगर इंस्टॉल हुआ रखा है तो आप इंस्टॉल पे जाएंगे, वरना आप एड न्यू प्लगइन पे आप जाएंगे। तो मैं एड न्यू प्लगइन पे जाता हूँ, और आपको यहाँ पे एक सर्च देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जबकि मैंने सर्च कर रखा है जो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं WooCommerce। तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे जैसे ही, तो आपको इस तरह के बहुत सारे WooCommerce निकलेंगे। देखिए आपको WooCommerce PDF इनवॉइस के लिए, ऐप स्लिप के लिए, आपको पेमेंट गेटवे इत्यादि के लिए बहुत सारे, देखिए आप MailChimp वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पे प्लगइन। तो आपको सबसे पहले आपको WooCommerce का ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। तो हम कर लेते हैं इसको इंस्टॉल, और थोड़ा सा इसको समय लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आपको यहाँ पे देखने को अब मिल जाता है कि आपको जैसे इंस्टॉलिंग होता है और आपको देखने को मिलता है एक्टिव, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसको एक्टिव कर लेना है। जैसे हम इसको एक्टिव करेंगे तो अभी आप देखिए कि कुछ पैनल इसमें खुलता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ये एक्टिव हो रहा है। जैसे कि आपको देखिए इस तरह का आपको प्लगइन, अब इस तरह को अब आपको इसको फिल करना है, जिस जैसे आपको जानकारी इसमें भरनी है आप इसमें भर सकते हैं। तो अपना इसमें इंडिया चॉइस कर लेना, अपने कंट्री एंड अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं अभी डाल देता हूँ डेमो के तौर पे। जैसे कि अभी मैंने इसमें डेमो के तौर पे कुछ भी लिख दिया, दिल्ली का एड्रेस डाल दिया, और स्टेट इसमें चॉइस कर लेना है, और यहाँ पे पिन कोड में कोई चॉइस कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको पेमेंट चॉइस करना है। देखिए भाई यहाँ पे आपको वर्ड करेंसी एक्सेप्ट, जो भी आप एक्सेप्ट करना चाहें, आप पेपल में लेना चाहें तो पेपल के हिसाब से कीजिएगा, आप इंडियन करेंसी तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा INR कीजिएगा, इंडियन रुपीज़। और आपको यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं करना है, आपको लेफ्ट गो पे आपको कर देना है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, क्लिक नहीं करना है। आपको ट्रैकिंग वगैरह ये बोलेगा, बट आप अभी मत कीजिएगा, आगे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पेपल पेमेंट गेटवे, तो हमें अगर इनेबल करना है तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं, वरना इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिसेबल कर देते हैं, आपको आगे बताऊँगा किस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं। तो हमको करना है कंटिन्यू पे, इस पर क्लिक, तो हमने जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इंडिया के, यानी आप कुछ शिपिंग कॉस्ट रखना चाहते हैं प्रोडक्ट की या नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे फिक्स रेट रख सकते हैं, शिपिंग फीस रख सकते हैं, फ्री शिपिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे फ्री शिपिंग रख देता हूँ, और ये अगर ये कुछ नहीं करना है तो आप फ्लैट इस पर डिसेबल कीजिएगा। और यहाँ पे आप किस तरह से वेट का पर किलो के हिसाब से लेना चाहते हैं, कॉस्ट किस हिसाब से लेना चाहते हैं, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से रख लीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे हम कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, तो आपको मिल जाते हैं फेसबुक, मेल चैम्स और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको इस पर कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमको कुछ ऑप्शन फिर से नज़र आएंगे, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे।
अभी ये टाइम ले रहा है तो हमको इसको वैसे आप स्किप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा आप स्किप कर दें, ये बाद में आप सेटअप कर सकते हैं फेसबुक वगैरह, तो आप हम कर देंगे इसको अभी स्किप। तो जैसे हम स्किप करेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप जेटपैक अभी आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो, अगर आप जेटपैक के बारे में और अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए बता दूं कि जैसे कोई आपका ऑडियंस, आपकी कितनी ऑडियंस आ रही है आपकी वेबसाइट पे, कितना विजिट कर रहा है, तो इस जेटपैक्स के मदद से आपको पता चलता रहता है। तो हम कर देंगे अभी कंटिन्यू टू जेटपैक, हमको अभी जेटपैक नहीं चाहिए, तो हम स्किप दिस स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारा रेडी का यानी लास्ट स्टेप बचा है, तो हमको यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यस प्लीज़ यहाँ पे कुछ मत आप कीजिएगा, आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा है क्रिएट अ प्रोडक्ट, तो हम यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम अब जाएंगे अपने विजिट डैशबोर्ड पे। तो जैसे हम अपने विजिट डैशबोर्ड पे जाते हैं दोस्तों, तो आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पहले वूकॉमर्स नहीं आ रहा था, ना ही प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप प्रोडक्ट में जाके अपनी कैटेगरी पे जाके अपना कैटेगरी चॉइस कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, अपनी कैटेगरी चॉइस कर सकते हैं और नया प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का डिटेल डाल दीजिए, प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए, यहाँ पे अपना जो भी आप कैटेगरी चॉइस वहाँ पे बनाएंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगी, और आप यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हैं, और आप वूकॉमर्स में आप देख सकते हैं ऑप्शन ऑर्डर्स, अगर आपको कोई ऑर्डर्स आते हैं तो यहाँ पे शो करेंगे, आपको कोई कूपन जनरेट करना है तो यहाँ से करेंगे, और रिपोर्ट कोई सेटिंग आपको लेनी है तो मैं आपको फ़िलहाल बता दूँ पेमेंट के बारे में, आपको बताया था तो हम यहाँ सेटिंग पे जैसे ही जाते हैं तो मैं आपको बताऊँगा पेमेंट कैसे इनेबल करते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करके एक ऑप्शन मिल जाता है, और आप नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ले सकते हैं, चेक के थ्रू ले सकते हैं, बाय बैंक ट्रांसफ़र ले सकते हैं, पेपल ले सकते हैं। तो जैसे हम अगर कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर देंगे तो प्रोडक्ट जो भी आएंगे हमारा कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आएंगे, पेपल करेंगे तो पहला पेमेंट आएगा पेपल के थ्रू, फिर हमको पेमेंट रिसीव होगा तो तब ऑर्डर आएगा। अगर चेक के थ्रू लेना चाहे चेक के थ्रू है, इसमें सब सेटअप आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे पेपल पे मैं सेटअप पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ मांगेगा, जैसे कि पेपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे API पासवर्ड वगैरह, UPI इमेज URL यहाँ पे जानकारी देती हैं आप, जब आप वहाँ पे साइन अप कर देते हैं पेपल पे तो आपको ये जानकारी मिलेंगी, टोकन वगैरह, तो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा और आपका पेमेंट एक्सेप्ट होने लगेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट जरूर करना किस तरह की आपको और सहायता चाहिए, क्या अभी आपको और इसमें जानकारियाँ देनी है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।